हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पावर क्लच के बारे में, मतलब हाइड्रोलिक क्लच के बारे में। ऑयल प्रेशर वाला सिस्टम, जिस तरह से हमारी बाइक की ब्रेक सिस्टम रहते हैं ऑयल प्रेशर से जो चलते हैं, इस तरह का दोस्तों क्लच सिस्टम है। इसमें वायर कनेक्शन नहीं रहता, क्लच वायर नहीं जाता। इसमें क्लच के लिए ऑयल की लाइन जाती है जहाँ से प्रेशर जनरेट होता है। यहाँ से आप देख सकते हो ऑयल की लाइन कनेक्ट हुई है, जिस तरह से ब्रेक में रहता है आप देख सकते हैं। और नीचे ये ऑयल की लाइन गई हुई है नीचे क्लच तक, ये आप देख सकते हो जहाँ क्लच रहता है वहाँ तक गई हुई है। यहाँ पर एक मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है जो कि क्लच को खींचने का काम करता है। इस तरह का सिस्टम दोस्तों हाई सीसी बाइक में आता है, हाई सीसी सुपर बाइक में इस तरह का सिस्टम दिया जाता है। ये एकदम ही क्लच को स्मूथ कर देता है, एकदम पावर क्लच रहता है, एकदम स्मूथ कर देता है। जिस तरह से ब्रेक लगते हैं उसी तरह से ये क्लच भी अप्लाई होता है एकदम हल्के से। और इसी तरह की और भी वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी तरह की और भी न्यू प्रोडक्ट की अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको जो नीचे मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है जो कि क्लच को खींचता है, क्लच मास्टर सिलेंडर पुलर बोलते हैं जिसको, इस प्रोडक्ट को अगर आप दोस्तों परचेस करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर दोस्तों ये कनेक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ से एडजस्टिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये ऑयल की लाइन है, ये ऑयल की लाइन जो दोस्तों जो है वो ब्रेक में जो लगती है वही वाली है। आप मार्केट से इसको परचेस कर सकते हो, ब्रेक लाइन बोलते हैं इसको। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों ब्रेक लाइन की वो है 300 रुपीज़। ये एंडोरेंस कंपनी की ब्रांडेड ब्रेक लाइन है, तो इसको मैंने क्लच में यूज़ किया हुआ है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अब जो लीवर और नीचे सिलेंडर लगा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीवर वाला सेट है दोस्तों, यहाँ पर मास्टर सिलेंडर रहता है, इस तरह का प्रोडक्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये रेड कलर में है, ये पूरा रेड कलर आता है, आप देख सकते हैं। इसको लगाने के लिए दोस्तों आपको अपने हैंडल बार पे इन दोनों को ओपन करना पड़ेगा, और इसको ओपन करके आप अपने हैंडल बार पे लगा सकते हो। ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है तो कहीं भी लग जाएगा। यहाँ पर आपको ऑयल की लाइन कनेक्ट करनी है और यहाँ पर ऑयल फिल करना है। ईजी इंस्टॉलेशन है, आप कर सकते हो। और इसके साथ दोस्तों ये भी आता है, मतलब अगर आपकी बाइक की हैंडल बार पे मिरर लगता है तो आप इसको लगा लें। हैंडल बार पे मिरर लगता है अगर तो, और नहीं लगता है तो इसमें पहले से लगा हुआ है तो आप उसी को रहने दें। यूनिवर्सल प्रोडक्ट है दोस्तों, तो हर बाइक के अकॉर्डिंग ये आता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये रहता है लॉक, इसको आपको खोलना है और उसके बाद इसमें ऑयल फिल करना है। लॉक को आप स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से आप इसको ओपन कर लें। इस तरह से इसमें एक लॉक लगा रहता है, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसका आप कैप ओपन कर लें। कैप के अंदर जो कंटेनर रहेगा उसमें आपको ऑयल फिल करना है, ब्रेक ऑयल फिल करना है, चाहे वो .3 हो चाहे वो .4 हो, आप इसमें से दोनों में से कोई भी उस ऑयल को फिल कर सकते हैं। लीवर को दबा के प्रेशर जनरेट करना है और आपका जो क्लच सिस्टम है वो वर्क करने लगेगा। और ये रहेगा दोस्तों नीचे जो इंजन में लगता है, क्लच पुलर बोल सकते हैं जिसको, क्लच को जो खींचने का काम करता है मास्टर सिलेंडर, ऑयल प्रेशर से ये सारा कुछ चलता है। इस तरह का सिस्टम दोस्तों हाई सीसी बाइक में आता है। यहाँ से दोस्तों ऑयल लाइन कनेक्ट होगी जो कि यहाँ तक जाएगी। ऑयल लाइन जो है दोस्तों वो आप किसी भी बाइक की डिस्क ब्रेक वाली लाइन परचेस कर सकते हो। इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो, ये जो है दोस्तों आपके क्लच को खींचने में लगेगा। इसके साथ सारा कुछ सामान आता है, जो सामान की आपको ज़रूरत है आप उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके पास एक्स्ट्रा में रखा रहेगा। यहाँ पर ये क्लच में लगता है, जैसा क्लच में अगर पहले से है तो ये आपको नहीं लगाना है, लेकिन इसके साथ आता है। मान लीजिए अगर आपको यूज़ करना हो तो इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इसके साथ आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो अपनी बाइक के अकॉर्डिंग। और ये जो है इसमें डाल के इस तरह से इसमें लग जाएगा और फिक्स हो जाएगा, लॉक वाला इसमें काम होता है। तो ये किसी भी बाइक में लग जाएगा दोस्तों, पल्सर, अपाची, जिक्सर, R15 किसी भी बाइक में लग जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो या फिर परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। इंस्टॉलेशन के लिए एकदम ईजी इंस्टॉलेशन है, आपको अपना पुराना क्लच सिस्टम रिमूव करना है और इसको लगा लेना है। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने इसको लगाया हुआ है। इससे दोस्तों क्लच एकदम स्मूथ वर्क करता है, जिस तरह से हमारी बाइक का डिस्क ब्रेक हल्के से दबाने पर लग जाता है, उसी तरह से जो क्लच सिस्टम रहता है ऑयल पंप से चलता है, सारा प्रेशर ऑयल के ऊपर रहता है, हाथ में बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता। ऑयल की लाइन गई हुई है ऊपर की तरफ और यहाँ से आप देख सकते हो ऑयल की लाइन जो है वो यहाँ पर आके लीवर में लगी हुई है। ये आपको ऑयल की लाइन दिखेगी तो यहाँ पर आके ये लीवर में लगी हुई है, तो जहाँ से आपका क्लच बाहर जाएगा वहीं से आपको ऑयल की लाइन डालना है। और इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो ये सारा जो है रेड कलर का आया था, मैंने आपको अभी दिखाया हुआ था, रेड कलर का था पूरा ये लीवर इसके साथ आया था, लेकिन मैंने इसको ब्लू लगा लिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो सेट है वो ब्लू कलर का था, तो उसको मैंने रिप्लेस कर लिया है। यहाँ पर आपको एडजस्टिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, एडजस्टेबल क्लच है दोस्तों, यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो।
इसमें आपको सिक्स एडजस्टिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने ब्लू कलर का लीवर लगा लिया है क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर का एक लीवर का सेट रखा हुआ था। इसमें रेड कलर का आता है, और भी कलर ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आप दूसरे कलर में परचेस करना चाहते हो, ब्लैक, सिल्वर या फिर और कुछ। इस तरह से एडजस्ट होता ही है। आप एडजस्ट किस तरह से होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखिए, इसमें सिक्स एडजस्टिंग के ऑप्शन बने हुए हैं, सिक्स नंबर लिखे हुए हैं, और इस तरह से लीवर लगा हुआ था इसमें। सेम टू सेम रेड कलर का पूरा सेट था। अब एडजस्टिंग किस तरह से काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से तो क्लच दबता है और वर्क करता है। इस तरह से लीवर पास और दूर होता है, मतलब आप इसको अपने हाथ के अकॉर्डिंग, अपनी उंगलियों की लंबाई के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिक्स से एडजस्टिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप 1, 2, 3, 4 किसी पे भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके लिए इस तरह से एडजस्ट हो जाता है, मतलब पास दूर होता है लीवर, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग हैंडलिंग के बेटर बनाने के लिए इसको एडजस्ट कर सकते हो। और एकदम इसकी स्मूथ क्लच है क्योंकि सारा प्रेशर जो रहता है वो ऑयल पे रहता है, आपके हाथ पे बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता है। और यहाँ से दोस्तों ऑयल की लाइन गई हुई है जो कि नीचे मास्टर सिलेंडर में लगी हुई है, जो कि क्लच को खींचने का काम करता है। तो इस तरह से सारा कुछ लगा हुआ है। ऑयल की जो लाइन है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो कि डिस्क ब्रेक में यूज़ होती है, आप उसको परचेस कर सकते हो। मैंने परचेस किया है 300 रुपये में ऑयल की लाइन, और ये नीचे मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है और ऊपर मास्टर सिलेंडर लीवर लगा हुआ है, जो कि आप परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह से ये आप देखिए किस तरह से खींच के ये ऑयल का प्रेशर जनरेट करता है और क्लच को खींचता है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसी तरह की दोस्तों और भी न्यू प्रोडक्ट अपडेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी न्यू प्रोडक्ट स्पेशल लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही में अगर आप प्रोडक्ट को देखना चाहते हो या फिर परचेस करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।